नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रेड क्रॉस में एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर निक्षय मित्रों द्वारा पौष्टिक पोषाहार की गई वितरित। बोले जिलाधिकारी, टीबी मरीजों के सहयोग हेतु आगे आए समाज से भी। बिहार दिवस के अवसर पर नगर भवन मोतिहारी में बिहार के गौरवशाली इतिहास एवं बिहार के भविष्य विषय पर टॉक शो का हुआ आयोजन। शहर के गणमान्य लोग रहे मौजूद। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के श्रीपुर चौक पर नवरात्र के अवसर पर प्रवचन का किया गया है आयोजन। देखी जा रही है भक्तों की भीड़। मोतिहारी के गांधी चौक पर पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया पुतला दहन। यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में एनएच जाम करने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण की संग्रामपुर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने पॉस्को एक्ट में फरार अभियुक्त के घर पर चिपकाया इश्तेहार। आत्मसमर्पण नहीं करने पर की जाएगी कुर्की की कार्रवाई। और बिहार दिवस पर फिल्म फेस्टिवल के तहत फिल्म द लिपस्टिक बॉय पटना के मोना सिनेमा में किया जाएगा प्रदर्शित। फिल्म के हीरो ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। विश्व यक्ष्मा दिवस के मौके पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में जिले के टीबी मरीजों के पोषण संबंधित सहयोग के लिए शुक्रवार को रेड क्रॉस भवन में चयनित 60 टीबी मरीजों के बीच निक्षय मित्रों द्वारा पौष्टिक पोषाहार वितरित की गई। मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि टीबी की बीमारी में रोगी के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उन्हें दवा के साथ ही बेहतर पोषण की जरूरत होती है। इसलिए उनकी सहायता हेतु प्रधानमंत्री निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों के लिए उनके खाते में 500 रुपये भेजी जाती है ताकि उन्हें संतुलित आहार प्रदान हो। इसके लिए जिले के समाजसेवियों, युवाओं व संगठनों के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने अपील किया कि टीबी मरीजों के सहयोग हेतु लोग आगे आए, तभी टीबी के मरीज पोषण का लाभ लेकर स्वस्थ हो पाएंगे। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने बताया कि डॉक्टर आशुतोष शरण ने 25 मरीजों को गोद लिया है। वहीं इंडियन आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने 37, उज्ज्वल सेवा संस्थान के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने 11 और रंभा पांडे ने 11। वहीं सबसे कम उम्र 3 वर्ष के बच्चे स्वर्गीय ठाकुर बजरंगी नारायण सिंह के पौत्र मृत्युंजय भारद्वाज एवं डॉक्टर चंद्र सुभाष के बच्चों ने भी निक्षय मित्रों को गोद लिया है, जो 6 माह तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था करेंगे। संचारी रोग पदाधिकारी पूर्वी चंपारण डॉक्टर रंजीत राय ने कहा कि निक्षय पोषण योजना केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी से ग्रसित लोगों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने विभिन्न सामाजिक संगठनों और लोगों से अनुरोध किया है कि टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार देने हेतु आगे आए और उन्हें गोद लेकर 6 माह तक उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि टीबी रोग की जाँच और दवाइयाँ अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष शरण ने बताया कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जो हवा के माध्यम से फैलता है। जब टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति कहीं खांसता, छींकता या बोलता है तो उसके साथ ही संक्रमण बाहर निकलता है, जो हवा के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी या बुखार आना, खांसी के साथ मुँह से खून आना, भूख की कमी और वजन कम होना आदि लक्षण दिखे तो तुरंत उसकी जाँच कराएँ। टीबी रोग की समस्त जांच और दवाइयां सरकार के द्वारा अस्पताल में मुफ्त मिलती हैं। मौके पर यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत राय, DPM विश्वमोहन ठाकुर, डॉक्टर आशुतोष शरण, अंगद सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, मीना मिश्रा, डॉक्टर राहुल राज, डॉक्टर चंद्र सुभाष, प्रतिभा शर्मा, मिनी द्विवेदी सहित भारी संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ लाभुक टीबी मरीज भी उपस्थित थे। देने का प्रयास जो है हमारे जो पूर्वी चंपारण के रेड क्रॉस के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें विभिन्न सिविल सोसाइटीज, NGO और इंडिविजुअल्स आगे आ रहे हैं। 2025 में जो है भारत को जो TB हमको करना है उसका एक प्रयास है, और निश्चित जो है पूर्वी चंपारण के जो है हमारे TB ऑफिसर हो या स्वास्थ्य विभाग की टीम, रेड क्रॉस और अन्य भी जो हमारी संस्था है IMA, नीमा, आयुष, इनके माध्यम से है निश्चित जो है हम यहाँ पे TB का काम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में जो है फॉलोअप भी किया जा रहा है। 6 महीने के लिए जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है यहाँ पे जो हमारे ये स्पॉन्सर्स है उनके द्वारा किया जा रहा है,
और पेशेंट अगर कोई आपके नज़र में भी हो तो निश्चित आप जो है यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टीवी ऑफिसर है उनके कार्यालय में बता सकते हैं, रेड क्रॉस में बता सकते हैं, उनको भी हम निश्चित हेल्प करें। टीवी से ग्रसित मरीज हैं उनको पोषण आहार देना है, प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, क्योंकि वैश्विक WHO ने अनाउंस किया है कि 2030 तक पूरे विश्व से टीवी खत्म कर दें, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 2025 तक भारत से हम लोग इसको उन्मूलन कर देंगे इस टीवी का। हमारे गौरधर महोदय का भी ये संदेश है। तो रोटरी ने अभी 247 लोगों का रेड क्रॉस, रोटरी, लायंस और इन सब मिलकर और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हम लोगों ने 247 लोगों को गोद लिया है, जिनको हम लोग 3 किलो चना, 1.5 किलो दाल, 250 ग्राम सरसों तेल, 1 kg बादाम और 30 अंडा एक महीना का उसको खुराक दे रहे हैं। 6 महीना के लिए गोद लिया गया है और उनको हम लोग ये खदान देके, चूँकि सरकार से दवाई और पैसा मिलती है, लेकिन लगता है कि अगर ये खदान उनको दिया जाए, चूँकि पौष्टिक आहार है, प्रोटीन से भरपूर है, तो वो तुरंत ठीक हो जाएंगे। इसीलिए इस बार पूरे विश्व में यस वी कैन एंड टीवी, हम लोग ख़त्म करेंगे टीवी को, यही स्लोगन है, यही इस साल का थीम है। रेड क्रॉस मोतिहारी आज लोगों से आह्वान करती है कि निश्चय योजना, प्रधानमंत्री जी का जो निश्चय योजना है क्षय रोग को ख़त्म करने के लिए निश्चय योजना चलाया गया है, जिसमें सरकार हर एक टीबी मरीज को दवा दे रही है फ्री में और 500 रुपये भी दे रही है। और आम जनमानस से यह अपील करती है सरकार कि एक एक टीबी मरीज को कम से कम आप लोग गोद लें, जिसमें उनके खाने के लिए जो पौष्टिक आहार है, वो गरीब लोग हैं वो उसको नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं, तो उनको पौष्टिक आहार देने के लिए आम लोगों से यह अपील की जा रही है कि कम से कम 1, 2, 5, 10 जो भी आपकी यथाशक्ति है उतने मरीजों को आप गोद लें। तो एक मरीज को गोद लेने में महीने का लगभग 800 रुपये का खर्च आता है, जो आपको 6 महीने तक बियर करना है। ये हम लोगों ने आज शुरू किया है, रेड क्रॉस के यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने भी गोद लिया है, रेड क्रॉस के कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं सब ने गोद लिया है, 5-5 मरीज, और जितने कर्मचारी हैं सब ने यथाशक्ति 1 या 2, अध्यक्ष जी ने 15 मरीजों को गोद लिया है और कार्यकारिणी के बाकी 14 लोगों ने 5-5 मरीजों को गोद लिया है। बिहार दिवस के अवसर पर मोतिहारी नगर भवन में बिहार के गौरवशाली इतिहास एवं बिहार के भविष्य विषय पर टॉक शो का आयोजन जिला प्रशासन मोतिहारी के द्वारा किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य एवं बुद्धिजीवी वक्ताओं ने बिहार के गौरवशाली अतीत एवं भविष्य की चिंता करते हुए अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर गांधी संग्रहालय के सचिव ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह, मोतिहारी मेयर प्रीति कुमारी, अपर समाहर्ता पवन कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला सामान्य शाखा पदाधिकारी संजय कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार, डॉक्टर आशुतोष शरण सहित भारी संख्या में जिले के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में मोतिहारी गांधी चौक पर प्रदर्शन किया गया व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं ने मोदी व भाजपा सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए केंद्र से अडानी के मुद्दे पे JPCC से जांच कराने की मांग की। उक्त अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि केंद्र में हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, सरकार भाजपाई सत्ता के मित्रों को सरकारी खजानों को लूटने की छूट दे रखी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जन विरोधी नीतियों के लिए इतिहास में याद की जाएगी। उक्त अवसर पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बिट्टू यादव, राहुल शर्मा, दिलनवाज रसीद, NSUI के अध्यक्ष कुमार आशीष सहित अन्य उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के श्रीपुर चौक पर नवरात्र के अवसर पर प्रवचन का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर वृंदावन से आई कथा वाचिका राधे कृपा साक्षी ने कहा कि राम का नाम जपने से सारा कष्ट दूर हो जाता है। उन्होंने कहा कि यदि सच्चे मन व पवित्र मन से भगवान राम की पूजा की जाए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। राम हमेशा सत्य के प्रतीक हैं, उन्होंने दुराचारियों का विनाश किया था। उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भक्त के बिना भगवान का और भगवान के बिना भक्त का कोई महत्व नहीं है। आयोजन को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष बबलू तिवारी, आयोजक नवीन कुमार, दिलीप तिवारी, देवलाल यादव, रमेश तिवारी, डॉक्टर अभय कुमार, मोहम्मद जमालुद्दीन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारी संख्या में भक्तजन पहुंचकर इसमें भाग ले रहे हैं।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत संग्रामपुर थाना क्षेत्र में यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थन में एनएच जाम मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में संग्रामपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान संग्रामपुर गांव के सकलदेव सिंह के पुत्र विनय सिंह के रूप में की गई है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि 23 मार्च को बंदी के आह्वान पर पूर्वी चंपारण में भी कई जगह यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थकों ने सड़क जाम किया था। हालांकि पुलिस के पहुंचते ही सब भाग खड़े हुए। वहीं मोतिहारी सदर के प्रभारी एसडीपीओ ने जाम में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे थाना क्षेत्र के कड़मावा पंचायत वार्ड नंबर 1 निवासी रामेश्वर सहनी के पुत्र और पॉस्को एक्ट के आरोपी अर्जुन कुमार के घर पर न्यायालय के आदेश से इश्तेहार लगाया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि मझौलिया थाना कांड संख्या 573/2022 में पॉस्को एक्ट के आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। कोर्ट द्वारा अभियुक्त के घर इश्तेहार चिपकाने का आदेश मिला है। कोर्ट के इस आदेश के आलोक में एएसआई बिहारी प्रसाद निराला के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ उसके घर पर इश्तेहार लगाया गया है। आरोपी अगर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो जल्द ही पुलिस कुर्की जब्ती के लिए कोर्ट से आदेश पाने के लिए आवेदन करेगी। बिहार दिवस पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम फिल्म फेस्टिवल के तहत फिल्म द लिपस्टिक बॉय पटना के मोना सिनेमा में प्रदर्शित किया जाएगा। इस बाबत फिल्म के हीरो शिवहर नगर परिषद वार्ड नंबर 5 निवासी मनोज पटेल मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें फूल का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया तथा हिंदी फिल्म के उभरते सितारे को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मौके पर एमएलसी खालिद अनवर व जदयू के प्रदेश सचिव व फिल्म के हीरो मनोज पटेल के बड़े भाई नरेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि फिल्म के हीरो शिवहर नगर परिषद वार्ड नंबर 5 निवासी जदयू के प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल के चचेरे छोटे भाई मनोज पटेल की इस फिल्म में दमदार भूमिका है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम से आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। We'll be right back.